हेलो एस्पीरियंस, आज हम पढ़ेंगे 8 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज के फर्स्ट न्यूज है दैट इंडियन एयरफोर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, हर साल 8 अक्टूबर को। इंडियन एयरफोर्स के अंडर जो भी पर्सनल थे, जो भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा सोसाइटी के लिए, अपने नेशन के लिए, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए, इसी डे के उपलक्ष्य में इंडियन एयरफोर्स का एक एयर शो भी लगाया गया है चेन्नई के मरीना बीच में। ठीक है, बात करें इस डे की थीम की, तो थीम रहा इंडियन एयरफोर्स कैपेबल स्ट्रांग एंड सेल्फ रिजिलिएंट। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है इंडियन एयरफोर्स और प्राइमरी मिशन यही है कि जो एयर स्पेस है या जो एरियल वॉरफेयर है ना, वहां से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंडिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। जैसे इंडियन आर्मी है, कहीं पे युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है ना, थल सेना हम जिसको बोलते हैं कि जमीन पे अगर युद्ध हो रहा है तो वहां पे इंडियन आर्मी लड़ती है। नेवी में हो रहा है तो वहां पे नेवल इंडियन नेवी है हमारे पास, है ना, नेवल आर्मी है। उसके बाद एयर, अगर एयर के फॉर्म में हो रहा है, हेलीकॉप्टर्स को यूज करके कुछ फेंका जा रहा है बॉम्ब्स या कुछ, तो उस केस में फिर इंडियन एयरफोर्स आपके पास आता है ना। तो वायुसेना, थल सेना, जल सेना हम जो बोलते हैं वो यही है, राइट। आगे देखें सेकंड पॉइंट, एक और डे है रिसेंटली जो सेलिब्रेट किया गया, विच इज द वर्ल्ड हैबिटेट डे। इस डे का कोई डेट नहीं है पर्टिकुलरली, अक्टूबर का जो पहला मंडे होता है तब ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं। यानी इस साल 7 अक्टूबर 2024 को सेलिब्रेट किया गया। कहाँ पे ये जो है इसका सेलिब्रेशन हुआ है, मेक्सिको के क्विरेटारो में हुआ है। ये डे रिकॉग्नाइज किया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस एंड इसका मेन काम यही है दैट हमारे जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके लिए एक बढ़िया सेफ हैबिटेट हम छोड़ें, है ना। इट एम्स टू रिमाइंड पीपल दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैबिटेट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। तो आसपास गंदगी ना फैलाएं, प्लास्टिक को यूज ना करें, अपनी डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल के ऊपर कम करें, रिन्यूएबल एनर्जी पे अपनी डिपेंडेंस ज्यादा करें। ये सारी कुछ चीजें हैं जो इसके अंडर आती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि वर्ल्ड हैबिटेट डे का थीम क्या रहा। थीम रहा एंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन फ्यूचर। ठीक है, चलिए इसी के साथ फर्स्ट फेज होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। इसके अलावा कोई भी रिकमेंडेशन हो, कुछ भी कहना हो, कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं आप, लिख सकते हैं, लेकिन कमेंट्स का रिप्लाई सिर्फ उनको होगा जो मुझे वैलिड लगेंगे, है ना। चलिए इसी के साथ सीधे चलते हैं अपने सेकंड पेज की ओर। आज का थर्ड पॉइंट है दैट आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया। 2023 में परफॉर्मेंस एनालाइज करके दिया गया किसे, दीपक सी मेहता को, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लीडर हैं, चेयरमैन एंड एमडी हैं दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के। अब यहाँ पे आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे एक बिजनेसमैन को ये अवार्ड दिया गया है ना। तो ये जो यहाँ पे आईसीसी है, इट स्टैंड्स फॉर इंडियन केमिकल काउंसिल, यानी केमिकल इंडस्ट्रीज में, केमिकल फील्ड में जो कोई कुछ अच्छा कर रहा है उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, तो दीपक सी मेहता जो कि चेयरमैन एंड एमडी हैं दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के, है ना, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। कहां पे, 59th आईसीसी एनुअल अवार्ड्स फंक्शन या बोलो सेरेमनी हुई मुंबई में, वहां ये अवार्ड दिया गया। तो इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ये अवार्ड, हाँ बेशक आप याद रखें, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखें 2024 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन समझते हैं ना, नए नए आइडियाज लाना, चीजों को रियल में इंप्लीमेंट करना उन आइडियाज के बेस पे। तो ये जो कौन सी कंट्री कितनी ज्यादा इनोवेटिव हो रही है ना, कितनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सामने लेकर आ रही है, उसके ऊपर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उन्हें स्टडी करके ये जो रैंकिंग है रिलीज की गई है WIPO, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस इंडेक्स में टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने, बिल्कुल बॉटम में है अंगोला विच इज अ अफ्रीकन नेशन, सेकेंड है स्वीडन, थर्ड है यूएसए। इंडिया का रैंक क्या है, 39th आउट ऑफ, यानी कितनी कंट्रीज का डेटा एनालाइज करके लिस्ट बनी थी, 133। ठीक है, तो टॉप बॉटम इंडिया का रैंक, टोटल कंट्रीज किसने रिलीज किया, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। फिफ्थ पॉइंट देखें, 41st एक कॉन्फ्रेंस हुई है, 41st एडिशन ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड्स कॉन्फ्रेंस।
कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के जो कमांडर्स हैं उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है न्यू दिल्ली में, 41st एडिशन, जिसका इनॉग्रेशन हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने किया है, राइट। सिक्स पॉइंट देखें, लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स फ्रॉम इंडिया। ऐसी कौन सी कंट्री है जो इंडिया से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती है, मतलब इंडिया से सबसे ज्यादा खरीदती है वेपन्स को, है ना, जो हथियार होते हैं उनको, तो वो है आर्मेनिया। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है ये नेशन, ठीक है, क्या इसकी कैपिटल है, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब ये जो आर्मेनिया है पिछले 4 सालों से लगातार सबसे बड़ा इंपोर्टर है वेपन्स का इंडिया से, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझते हैं, इंपोर्ट माने कि हम अपने देश में कोई चीज खरीद रहे हैं, कोई चीज हमारे पास नहीं है हम उसको बाहर से खरीद रहे हैं, उसके बदले पैसा दे रहे हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि कोई चीज हमारे पास एक्सेस में है तो वो हम बेचेंगे भी, खुद भी यूज करेंगे, बेचेंगे भी, तो वहां से जब बेचेंगे तो पैसा भी तो आएगा ना उसके बदले, है ना। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट यही पूरा हमारा बिजनेस रहता है। अब देखो यहाँ पे बात करें, यूएसए जो है इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, अब आर्मेनिया करता है सबसे ज्यादा, है ना, लार्जेस्ट इंपोर्टर है वेपन्स का इंडिया से, लेकिन इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ओवरऑल जितनी भी चीजें हैं किसे करता है, यूएसए को, अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट। यहाँ पे अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो 50% के अप्रोक्सीमेटली एक्सपोर्ट जो है यूएसए को कर रहा है इंडिया, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट देखिए, टीसीएस बहुत जल्द लॉन्च करेगा इंडिया का पहला डोमेस्टिक चिप्स 2026 तक। डोमेस्टिक माने अपने देश में बनी हुई चिप्स, माने खाने वाले चिप्स नहीं, सेमीकंडक्टर चिप्स, ये जो आईसीज वगैरह होते हैं, आपके फोन है, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनमें आईसीज होते हैं, है ना, फंक्शनिंग करते हैं उस हिसाब से। फिलहाल आपने याद रखना है ये जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं ये बहुत जल्द लॉन्च करेंगी इंडिया का पहला, ऐसी कंपनी जहां पे मतलब नॉट कंपनी मतलब इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर चिप्स, है ना, जो आईसीज वगैरह होंगी 2026 तक। टीसीएस प्लस किसके साथ में कोलैबोरेट करके, टीईपीएल, ये भी टीसीएस का ही, टाटा ग्रुप का ही एक सब्सिडरी है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों मिलकर इसमें काम करेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ सेकंड पेज भी होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं। देखिए नोट्स का फायदा क्या होता है, आप नोट्स बनाते रहेंगे, 8 महीने बाद 10 महीने बाद आपका एग्जाम है, जिस टाइम आपका एग्जाम होगा आप काफी चीजें पढ़ चुके हो, लेकिन रिविजन जरूरी होता है क्योंकि हमारे माइंड की भी कैपेबिलिटी होती है, हर 21 दिन बाद चीजों को रिवाइज करना जरूरी है, अदरवाइज हम भूल जाते हैं। फिर जरूरी नहीं कि अच्छा पहली बार हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना तो उस टॉपिक को पढ़ने में आपको 15 मिनट लग सकते हैं, है ना, दूसरी बार आप पढ़ेंगे आपको 7 मिनट लगेंगे, तीसरी बार आप पढ़ेंगे आपको 3 मिनट लगेंगे, इस तरह से टाइम खुद से रिड्यूस होता जाता है, है ना। बेशक टफ टॉपिक होते हैं उनको चलो थोड़ा टाइम लग जाता है, पहली बार 15 मिनट लगे, दूसरी बार 14 मिनट लगे, लेकिन तीसरी बार 10 मिनट भी तो लगेंगे। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे चीजें उतनी ज्यादा आपके दिमाग में बैठती जाएंगी, लेकिन रिविजन बुक्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बुक्स में लगता है कि पूरा ही पढ़ लेते हैं, जब पढ़ रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली पहले 2-3 रीडिंग तो आपको बुक को देनी चाहिए, लेकिन बाद में उसके शॉर्ट नोट्स होना बहुत जरूरी है रिविजन पर्पज के लिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये पेज होता है कंप्लीट। आई होप जो मैं आपको बार बार मोटिवेट करती हूँ नोट्स मेकिंग के लिए उसका थोड़ा फायदा उठें और नोट्स बनाना अभी के अभी शुरू करें, राइट। चलिए तो सीधे चलते हैं अपने थर्ड पेज की ओर। आज का 8th पॉइंट है दैट वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी मटेरियल चिप फैब्रिकेशन यूनिट। दुनिया का पहला बहुत सारे मटेरियल्स के चिप्स को फैब्रिकेट करने वाला यूनिट सेटअप किया जाएगा इंडिया में, इंडिया के उत्तर प्रदेश के जेवार में। वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, उसके साथ में ही ये यूनिट खोला जाएगा और ये ज्वाइंटली सेटअप किया जा रहा है इंडिया एंड यूएसए के साथ में मिलके। इस यूनिट का नाम रखा जाएगा शक्ति और ये प्लांट सपोर्ट किया जा रहा है यूएसए के यूएस स्पेस फोर्स के द्वारा, ठीक है, इतना ही पार्ट है। आगे चले 9th पॉइंट देखें, न्यू चीफ जस्टिस बने हैं झारखंड हाईकोर्ट एंड हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के। अब देखो जो लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं ना उनको तो पूरी लिस्ट का पता होना जरूरी है, पहले चीफ जस्टिस झारखंड के कौन थे, है ना, पहली महिला, पहले कोई दलित थे, है ना, इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। वैसे जो हिमाचल से बिलोंग करते हैं उनको पता होना चाहिए कौन से रैंक के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन रहे हैं, मतलब कौन से रैंक के हैं, 25वें 26वें 27वें रैंक पता होना चाहिए, पहली वुमेन, पहले दलित, है ना, ऐसे ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट है और भी हो सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए, पहले मुस्लिम आ जाते हैं, पहले सिख भी आ जाते हैं कई बार, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो झारखंड हाईकोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस M.S. रामचंद्र राव एंड हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के बने हैं जस्टिस राजीव शक्थर, ठीक है। 10th पॉइंट देखती हैं, इंडिया का पहला, नॉट पहला, इंडिया का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस मतलब भट्टी जो होती है कमीशन की जा रही है, शुरू की जा रही है टाटा स्टील के द्वारा ओडिशा के कलिंग नगर फैसिलिटी में,
ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एज इट इज एग्जाम में आते हैं, कोई आपसे इन डिटेल पूछेगा ही नहीं, है ना। चलिए 11th पॉइंट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने पहले भी एक बार पढ़ा था, आपको याद होगा कुछ महीने पहले, कि इंडिया ने एक मिशन स्टार्ट किया है जिसमें जो भी इंडिया के एंटिक पीस हैं यहां से इंडिया से लेके गए हैं बाहर के देशों में, तो वहां से वापस लाने हैं सुलह से एग्रीमेंट करके इस तरह से। तो अब न्यूज ये है कि यूएसए ने रिसेंटली रिटर्न किए हैं 297 इलीगली जो लेके गए थे एंटिक पीसेज या एंटिक्विटीज इंडिया से, वो वापस कर दिए इंडिया को 297 हमारे कंट्री से बाहर स्मगल आउट किए गए थे, है ना। और इसी के साथ टोटल नंबर ऑफ एंशियंट आइटम्स, पुरानी आइटम्स, एंटिक पीसेज जो इंडिया ने अभी तक रिकवर कर लिए हैं 2014 से, वो हो चुके हैं 640। ये जो 640 हमने वापस लाए ना अलग अलग कंट्रीज से सारे एंटिक पीसेज, इसमें से 578 तो हम यूएसए से ही लाए हैं, है ना, और 16 यूके से लाए हैं, 40 ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं, और भी इस पे काम किया जा रहा है, ठीक है। 12th पॉइंट देखें, पहले दलित, अच्छा वही चीज आ गई ना, पहले दलित चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, तो कौन बने हैं, जस्टिस सुरेश कुमार कर्त। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है ना, लैंडलॉक्ड स्टेट है इंडिया में, तो ये जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले दलित चीफ जस्टिस है एंड ओवरऑल 28th चीफ जस्टिस है। प्रिंसिपल सीट कहां पे है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, जबलपुर में, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ ये पेज भी होता है कंप्लीट, थोड़ा सा पेशेंस, एक पेज अभी और पढ़ना है। इसी के साथ वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा, प्लस आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं, इन दोनों चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने फोर्थ और अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 13th पॉइंट है दैट इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें ये जो तिरुपति टेम्पल है आंध्र प्रदेश में, वहां पे जो लड्डू बनाए जाते हैं उसमें ये पाया गया कि एनिमल फैट प्रेजेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है जिसके अंडर ये जो भी एलिगेशंस हैं कि एनिमल फैट है तिरुपति मंदिर में जो लड्डू बनाए जाते हैं उसमें, उसे इन्वेस्टिगेट करेगा। इस टेम्पल का पूरा नाम है तिरुमला वेंकटेश्वर टेम्पल, जो कि तिरुपति आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, इसलिए इसे तिरुपति टेम्पल भी कह देते हैं। ये टेम्पल डेडिकेटेड है वेंकटेश्वर जी को, जो कि विष्णु भगवान का एक फॉर्म माने जाते हैं। चलिए टेम्पल का हमने देख लिया, आंध्र प्रदेश थोड़ा सा याद रखना इंपॉर्टेंट है और टेम्पल का नाम याद रखना है। दूसरा ये कि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन टीम सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, ये भी याद रखना, हाई कोर्ट नहीं डील कर रही है इस मैटर के साथ, सुप्रीम कोर्ट डील कर रहे हैं। तो ये जो टीम बनी है इसमें एक सीबीआई ऑफिसर, अच्छा मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें एक तो सीबीआई ऑफिसर होंगे, दो इसमें आंध्र प्रदेश पुलिस से होंगे पर्सन, एक इसमें सीनियर ऑफिशियल होंगे फूड सेफ्टी अथॉरिटी से, ठीक है। तो वो इन्वेस्टिगेट करेंगे पूरा क्या फंडा चल रहा है। आगे चले 14th पॉइंट देखें, तो सेकेंड एडिशन ऑफ टोबैको फ्री यूथ कैंपियन 2.0 लॉन्च बाय, सेकेंड एडिशन टोबैको फ्री यूथ कैंपियन। तो ये तो नाम से पता लग रहा है कि यूथ हमारा जो है, अगर हम बात करें ना तो नशे की चीजों में बहुत आगे तक बढ़ चुका है ना, तो यहाँ पे टोबैको के ऊपर फोकस किया गया है, तो इससे यूथ को बचाना है, अवेयरनेस कैंपेन है, तो ये लॉन्च किया गया है सेकेंड एडिशन, तभी तो 2.0 लिखा है। किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कौन है, प्रताप राव गणपत राव जाधव के द्वारा, कहां पे, न्यू दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव नाम से ही पता लग रहा है, टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ यंग पीपल फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको, राइट। चलिए अब देखिए ये है हमारा आज का लास्ट पॉइंट एंड देन हमारी वीडियो हो जाएगी कंप्लीट। 15th पॉइंट हमारा है दैट बोइंग इज सप्लाइंग द अपाचे हेलीकॉप्टर्स टू द इंडियन आर्मी। बोइंग, अच्छा चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि बोइंग कौन से कंट्री की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, ये इक्विपमेंट्स बनाती है, हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाती है। चलिए आपको थोड़ा सा हिंट भी यहां मिल ही जाएगा, तो ये जो है सप्लाई कर रही है अपाचे हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी को। बोइंग के साथ इंडिया काफी हद तक डील करता है, एग्रीमेंट साइन करता है ना, परचेज करता है इक्विपमेंट्स। तो 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का एग्रीमेंट साइन हुआ था 2020-22 के आसपास, जिसके टोटल कॉस्ट थे $800 मिलियन। ये थोड़ी, ये दो चीजें याद रख लेनी, ताकि आर्मी, इंडियन आर्मी की जो कैपेबिलिटीज हैं उन्हें एनहांस किया जा सके। ये अमेरिकन अटैक हेलीकॉप्टर है, चलिए आइडिया आपको मैंने दे दिया है ना, ये अमेरिकन अमेरिका में बनाया जाने वाला अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसमें नाइट विजन है और भी बहुत सारे इसके फीचर्स हैं, बट इतना देखने की जरूरत नहीं है, अटैक हेलीकॉप्टर है और नाइट विजन बहुत अच्छी है, प्रिसीजन बहुत अच्छा है, इस पर अगर अटैक भी कर दे तो ये उस चीज को कॉम्बैट कर लेगा, है ना, और भी बहुत सारे हैं इसमें चीजें। लेकिन बोइंग
अपाचे हेलीकॉप्टर्स, इंडियन आर्मी, टोटल 6 $800 मिलियन अटैक हेलीकॉप्टर है। ये वर्ड्स उठाने होते हैं, है ना, कहानी तो खुद भी याद रह जाती है। चलिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।